में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज की गले की पट्टी किस तरह से लगानी है, वो भी मशीन की सहायता से, और हमारा ब्लाउज अच्छा भी दिखे और हमें हाथ सिलाई भी नहीं करनी पड़े। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह। गला पट्टी लगाने के लिए मैंने जो गला कटिंग किया था वही कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए देखिए हमें इसको तिरछा कटिंग करना है और भी पट्टी निकालनी है। और इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसकी जो त्रिकोण के मुँह है सबको सीधा करना है। हम इस पर कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको जॉइंट नहीं करना, हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए किस तरह से हम डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पट्टी को रखना है और इसके आगे थोड़ा सा जहाँ राउंड शेप है वहाँ हल्का सा प्लेट्स लेना है। देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा प्लेट्स लिया है ताकि हमारी गले की पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से आए। देखिए इस तरह से हम पट्टी को लगाएंगे और इसको आगे से जॉइंट कैसे करना मैं बताऊंगी। हमें सिलाई करने की या मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम लगा सकते हैं। बहुत जन लोग इस सारी पट्टियों को जॉइंट करके लगाते हैं। इस तरह से देखिए अब मैं इसको हल्का सा फोल्ड करूँगी और दूसरी पट्टी को भी हल्का सा फोल्ड करके इसके नीचे डालना है। देखिए इस तरह से हम सारी पट्टी गले की लगा देंगे। जहाँ से राउंड शेप है पीछे के गले में उसमें भी हल्का सा प्लेट्स लेना है। देखिए हमारी पट्टी लग गई है, जहाँ जहाँ राउंड शेप था वहाँ मैंने हल्का सा प्लेट्स लिया है। अभी इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी लग जाता है और इससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और एक पैटर्न टाइप बन जाता है। देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, इसको कट कर देंगे और इस पट्टी को फोल्ड करना वापस। हमें सिलाई को बड़ा ही रखना है, बारीक नहीं निकालना। इस तरह से देखिए मैं इस पट्टी को फोल्ड करके खींच के लगानी है। इस तरह से पूरे गले की पट्टी हमें लगानी है। देखिए मैंने इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे गले की पट्टी को खींच के लगाना है और जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको काट देंगे। ये देखिए इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। ध्यान से काटना है नहीं तो अंदर का कपड़ा कट जाएगा। अभी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे की साइड में अभी बारीक सिलाई लगानी है। इसको राउंड शेप में घुमाना अभी इस तरह से। देखिए ऐसे राउंड में घुमाते हुए लगानी है पट्टी को। देखिए इस तरह से भी दूसरी सिलाई भी हमें इसी तरह ऊपर की साइड में लगानी है ब्लाउज को सीधा करके। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग लग रही है और एक पैटर्न जैसा लुक भी आ जाता है। और ये पट्टी खुलने का भी झंझट नहीं रहता है, सिलाई वगैरह टूटती भी नहीं है। देखिए हमारे गला पट्टी रेडी हो गया है और इसमें तुरपाई की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तुरपाई करते तो खुलने का प्रॉब्लम रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और लुक भी बहुत ही अच्छा देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।